ऊना के कस्बा संतोषगढ़ में लगभग 125 वर्ष पुरानी गौशाला में 87वें गोपाष्टमी कार्यक्रम का 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूरमहल की अशुतोष जी महाराज के शिष्यों ने अपने प्रवचनों और भजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति के रस में रख दिया। इस मौके पर कथावाचिका साध्वी जयंती भारती ने अपने प्रवचनों के माध्यम से गौ माता और भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान भी किया। इस मौके पर अपने भजनों के माध्यम से उन्होंने कहा, मनुष्य जिसे मानव कहते हैं, इंसान कहते हैं, उसे इसलिए मानव कहा जाता है क्योंकि वो मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो, केवल वह देखने भर का मानव ना हो। जब मानवीय गुणों से परिपूर्ण मानव होगा, कहते जैसे चीनी का एक मूल रूप है, वो मिठास देता है, सूर्य प्रकाश देता है, अग्नि से हमें तपिश मिलती है, मनुष्य में मानवीय गुण होते हैं। मनुष्य को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ योनि बनाया। क्यों बनाया है? 84 लाख योनियों के सबसे ऊपर श्रेष्ठ योनि है। हमें संपूर्ण सृष्टि में अपना ऐसा योगदान देना है कि हम इसके उत्थान में, लेकिन हम बाहर उत्थान तभी कर पाएंगे ना जब स्वयं हमारा उत्थान होगा। जब स्वयं ही पतन की गहराइयों में डूबते चले जा रहे हैं तो समाज का भी तो विघटन ही करेंगे ना। जब स्वयं स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए कहां से सोच पाएंगे। लेकिन ऐसे सद्विचार, ऐसे सद्भाव हमारे भीतर क्षणिक आते हैं, लेकिन जहां पर हमारा स्वार्थ होता है हम इन पर पांव रखकर फिर आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये विचार हमेशा हमारे अंतःकरण में रहे, इसके लिए हमें अपने अंतर्घट में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को, अर्थात जब जीवन में गुरु आते हैं, ज्ञान का प्रकाश घटित होता है और आप प्रतिदिन उस भरगो ज्योति का ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान के प्रकाश में मन ईश्वर में संलग्न होता है, स्थिर होता है। और जैसे ही स्थिर होता है, कहते जैसे एक जल में अगर आप कंकर मारते हैं तो उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं, अगर हाथ से हिला देते हैं तो भीतर का जो कीचड़ है वो ऊपर आ जाता है, वो मैला हो जाता है, जल वो पीने योग्य नहीं रहता। लेकिन जैसे ही वो जल स्थिर होता है, वो शांत होता है, आप उसी जल को पी सकते हैं, आप उसमें अपना प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अंतःकरण जब ईश्वर की उस भरगो ज्योति में स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, आप आत्म स्वरूप को जानते हैं और आत्म स्तर पर अपने जीवन में कार्य व्यवहार करते हैं, मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो पाते हैं। इसलिए ये कथा प्रसंग, आप कहेंगे बात तो भगवान श्री कृष्ण की चल रही, लेकिन ये बीच में ब्रह्म ज्ञान कहां से आ गया? कथा क्या है? एक बात हमेशा याद रखिए, कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। हम किसी साधारण मानव की कथा कहानी नहीं सुन रहे हैं कि घर से चलो आज मन नहीं है, घर के काम को छोड़ छाड़ कर यहाँ बैठते हैं, अरे कहानी सुनकर अल्लाह झाड़ कर घर चले जाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए आए हैं, और भगवान श्री कृष्ण जब हम कहते हैं तो साक्षात ब्रह्म की कथा है जो हमारे जीवन के नियंता है। और कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती, मन के रंजन के लिए होती है, जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सके, ईश्वरमय कर सके, ये कथा हमें सिखाती है। और कहते जब भक्तों का मन ईश्वर स्व से ऊपर उठती है, जब तक स्व के लिए सोचते हैं अहम भाव रहता है, मैं और मेरा के भाव में उलझा रहता है, जब तक व्यक्ति में मैं और मेरा रहता है, अपनी हस्ती का ज्ञान रहता है, उसके जीवन में मस्ती कहां से आती है? दो शब्द है ना, मस्ती और हस्ती। लेकिन गुरु जब जीवन में आते हैं ना, हमारी हस्ती हमें सिखाते हैं, कहते मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्द बाचा है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, कहते इसी तरह भक्ति पथ पर जब आप भक्त बनकर बढ़ते हैं तो
हे बाप, आज मैं तुम्हारा दिव्य चक्षु खोलता हूँ, देख मेरे ऐश्वर्यशाली रूप को। और जब देखा तो अर्जुन भी गदगद हो उठा। और जब भक्त गुरु कृपा से ज्ञान को पाकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान दुर्लभ ज्ञान की बात कर रहा है, ईश्वर को देखने की बात कर रहा है, और जब भक्त देख लेते हैं उस दिव्य चक्षु के माध्यम से, तो हस्ती मस्ती में रंग जाती है। तो उनका जीवन जब भक्ति के रंगों में रंगा होता है, तो वो फिर संसार के तराने नहीं गाते हैं, वो ईश्वर की भक्ति के तराने उनकी मन की वीणा की तारों पर गुंजायमान होते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए भजन और अन्य श्रवण करते हैं, जो ऐसे ही भावों को हमारे समक्ष रख रहा है। नाम की मस्ती ऐसी मस्ती कर देती अनमोल, जोड़ के नाता प्रभु से अपना, मन की आंखें खोल। नाम की मस्ती ऐसी मस्ती कर देती अनमोल, नाम की मस्ती जाएगी हस्ती जो